इमरान खान को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल बेनजीर भुट्टो का जो हाल हुआ या जुल्फकार वाली भुट्टो का हाल हुआ, ये होगा वहां की आईएसआई, वहां की पॉलिटिकल पार्टियों को आवाम की कोई चिंता नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं है, लूट मार की कगार पे पाकिस्तान चला हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी को आज हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जिसने इस देश को कहां का कहां खड़ा कर दिया और पाकिस्तान आज कहां खड़ा है। मैं एमएस बिट्टा साहब का रुख करना चाहूंगा, आप चेयरमैन हैं एआईएटीएफ के, बहुत बहुत स्वागत बिट्टा साहब आपका। और मुझे जरा ये बताइए कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, इमरान खान जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूट की कगार पर है, कहीं इस पाकिस्तान वाला हाल ना हो जाए, उस तरह बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या अपना पड़ोसी मुल्क? देखो, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, हम हिंदुस्तान के लोग उसका मजा नहीं लेना चाहते, मजाक नहीं उड़ाना चाहते, क्योंकि आम जो आवाम है उससे हिंदुस्तान की क्या दुश्मनी है, हिंदुस्तान के लोगों की क्या दुश्मनी है, हमारी तो सिर्फ आईएसआई जो हिंदुस्तान की तरफ, जो अपने ही पाकिस्तान में कत्लेआम कराने का काम करती है, दंगे कराने का काम करती है। और आपने देखा होगा जुल्फकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो और क्या क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर। हमारा देश भी देखिए, हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, हमारे देश में भी पुलिस है, हमारे देश में भी फौज है, पर हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी, जब से हिंदुस्तान की जिम्मेदारी उठाई, हमने लड़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने झगड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने मुल्क की तरक्की के लिए काम किया, हमने सड़कों का निर्माण किया, हमने फॉरेन पॉलिसी को मजबूत किया, हमने डिफेंस पॉलिसी को मजबूत किया। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमने पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने जाके नवाज शरीफ के साथ अमन शांति का संदेश दिया जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि वहां की आईएसआई, वहां की पॉलिटिकल पार्टियों को आवाम की कोई चिंता नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं है, लूट मार की कगार पे पाकिस्तान चला हुआ है और लड़ने चलते हैं हिंदुस्तान की तरफ, लड़ने चलते हैं कश्मीर की तरफ, आग लगाते कश्मीर में, रोज हमले करने की कोशिश करते हैं। बिट्टा साहब, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान क्या टूट भी सकता है जो इमरान खान कह रहे हैं? देखो, एक बात बिल्कुल तय है, जो आज इतनी आग जनी, इतना सब कुछ दहशत है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियां फटी पड़ी है, दहशत का माहौल है, आर्मी के दहशत का माहौल है, आईएसआई के दहशत का माहौल है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये आपको स्पष्ट कह दूं, इमरान खान को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल बेनजीर भुट्टो का जो हाल हुआ या जुल्फकार वाली भुट्टो का हाल हुआ, ये होगा, क्योंकि वहां की आईएसआई पाकिस्तान की इतनी जालिम है, ना तो हिंदुस्तान की तरफ जुल्म बंद करती है, ना ये पाकिस्तान की तरफ करती है, हमारे हिंदुस्तान से सीखे। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान की आर्मी को आज हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जिसने इस देश को कहां का कहां खड़ा कर दिया और पाकिस्तान आज कहां खड़ा है। मैं इनसे सवाल कुछ करना चाहता हूं, पाकिस्तान के उन लोगों से, हमारे पंजाब के आतंकवादी बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले आज पाकिस्तान में बैठे हैं, एक आतंकवादी आज अभी आईएसआई ने मारा जो पंजाब से भागा हुआ था, अभी कश्मीर के अंदर कई हमारे फौज के जवानों को शहीद किया, इनके घर में आग लगी हुई है, पर हमारी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, हमारी आर्मी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, पाकिस्तान को कभी भी हम गलत नहीं, कुछ कहने को तैयार, कोई शरारत करने को तैयार नहीं है, पर पाकिस्तान की आईएसआई एक तरफ इनके घर में आग लगी है।